कमोडिटीज की अगर बात की जाए तो आज नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर काफी उठापटक देखने को मिल रही है। जहां विदेशी बाजारों में सोने और चांदी में तेजी लौटी है तो वहीं बेस मेटल हल्की गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्रूड जहां पर विदेशी बाजारों में तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हल्के लाल रंग के साथ कारोबार दिखाई दिया है। वहीं अगर बात की जाए एनर्जी सेक्टर में नेचुरल गैस की तो आज नेचुरल गैस में जबरदस्त गिरावट के साथ बाजार खुलते दिखाई दिए हैं। नेचुरल गैस ऊपरी स्तरों से 6.5% के आसपास लुढ़क चुका है। बेहद गिरावट नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। वहीं क्रूड में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे पहले नजर डालें सोने और चांदी के ऊपर तो आज सोने और चांदी के अंदर तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। सोना 50,000 का लेवल लगातार सस्टेन किए हुए है और आज 51,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी भी 62,000 के ऊपर सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हम देख रहे हैं कि जो सोने के अंदर कमजोरी आती दिखाई दी थी और चांदी में गिरावट आई थी वो अब कहीं ना कहीं थमती हुई दिखाई दे रही है। काफी उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर से सोना तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की ओर से महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के चलते हमने देखा था कि सोने और चांदी के अंदर सेंटीमेंट कमजोर हुआ था। वहीं डॉलर के अंदर जबरदस्त स्ट्रेंथ आने के चलते सोने के अंदर दबाव देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से सोना मजबूती की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार मार्केट के व्यूज निकल कर आ रहे हैं कि सोने में तेजी बनी रह सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव के चलते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन गहराती नजर आई है उसके चलते सोने की कीमतें लगातार तेजी के साथ कारोबार करती आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकती हैं। तो फिलहाल के लिए सोने और चांदी के अंदर तेजी की ही रणनीति लेकर चलना चाहिए। अगर इंट्राडे स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो आज इंट्राडे में सोने और चांदी के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। 50,800 के स्टॉप लॉस के साथ निचले स्तरों पर सोने में खरीदारी की जा सकती है और ऊपर में 51,200 से लेकर 51,400 तक के स्तर सोने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी खरीदारी की जा सकती है। चांदी भी ऊपरी स्तरों पर 62,500 से लेकर 62,800 तक के स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है। तो सोने और चांदी के अंदर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं अगर बात करें कच्चे तेल की, कच्चा तेल अपने ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है कच्चे तेल का। लगातार कच्चे तेल के अंदर हमने बाइंग आते हुए देखी है और अभी जो चाइना के अंदर लॉकडाउन खत्म हुआ है उसके चलते भी डिमांड बढ़ सकती है। इसकी आशंकाओं के चलते लगातार कच्चा तेल नए स्तर छूता हुआ नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 9500 के ऊपर तेल निकल चुका है और लगातार कच्चे तेल में तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कच्चे तेल में आ रही तेजी के चलते महंगाई भी उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चा तेल अभी भी तेजी की तरफ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सऊदी अरब के फैसले से भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ मुश्किलें देशों में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिसके चलते कच्चा तेल महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने जुलाई महीने के लिए एशियाई देशों के लिए अरब लाइट क्रूड ऑयल के आधिकारिक बिक्री मूल्य यानी OSP में जून की तुलना में $2.1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी कर दी है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सप्लाई के ऊपर असर आता दिखाई दिया, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से लगातार कच्चा तेल तेजी की तरफ और आपको बता दें कि कच्चे तेल का भाव $139 के स्तर पर अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा था, लेकिन अब वहां से गिरा है और अब एक बार फिर से उन्हीं स्तरों को छूने की कोशिश में है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से जो कदम उठाया गया है उससे एशियाई देशों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों को एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे सकती है, एक नई दिशा में बाजार ऊपर जा सकता है। जो $139 का हाई लगा था उसको भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल कच्चे तेल में जो भी गिरावट आए उसमें बाइंग की रणनीति ली जा सकती है। जून वायदा एक्सपायरी के बेहद करीब है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि एक्सपायरी जो है वो 9400 से 9600 के बीच में होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अगले वायदा में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। जो भी करेक्शन मिले उस करेक्शन के अंदर कच्चे तेल में खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। आने वाले दिनों में माना यह जा रहा है कि इस तरीके की अगर तेजी बनी रही तो कच्चा तेल हो सकता है 9800 से लेकर 10,000 के भी स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से बाजारों में रणनीति देखने को मिल रही है, लगातार खरीदारी लौटती आ रही है, उसके
मद्देनजर माना यह जा रहा है कि कच्चा तेल नए स्तरों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है और विदेशी बाजारों में $140 से $150 के स्तर भी आने संभव है। तो ऐसे में अभी अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो इसमें कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी उभर कर सामने आ सकता है जो कि इन लेवल्स पर भी अगर बाइंग की जाती है करेक्शन आने पर तो वो भी एक अच्छा रिटर्न देती हुई नजर आ सकती है। वहीं अब नजर डालें अगर बेस मेटल पर तो बेस मेटल में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। कॉपर अपने ऊपरी स्तरों से हल्के लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं जिंक में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। बहरहाल बेस मेटल्स के ऊपर अगर नजर डालें तो बेस मेटल में भी आगे चलकर डिमांड बढ़ने की संभावनाएं हैं और इसमें भी खरीदारी की तरफ जाया जा सकता है। जिंक की बात करें तो 328 से लेकर 334 तक का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी लेवल के बीच में फिलहाल ट्रेडिंग संभव है। वहीं अगर लेड की बात करें तो लेड भी 182 से लेकर 188 तक के स्तरों में घूमती हुई दिखाई दे सकती है, इसमें भी निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति लेकर चला जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए कॉपर की तो कॉपर में भी 780 नीचे में लेवल है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो वापिस से माना जा रहा है कि तेजी की तरफ रह सकता है मार्केट और ऊपर में 800 से 820 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो आज सभी कमोडिटीज के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलने भी। और वहीं अगर देखा जाए तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज सोना 51,200 से लेकर 51,400 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है।